गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एट होम एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 फ्रॉम आवर बुक हॉर्नबिल। नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स के पेंटिंग। रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी 1915 इन हदाली, पाकिस्तान। ही डाइड on 20 March 2014 in New Delhi. He was a great Indian novelist, diplomat and journalist. He was awarded with Padam Bhushan in 1974, with Punjab Ratan Award in 2006 and with Padam Vibhushan in 2014. This chapter is a first person narration. Let's discuss the main characters of this chapter. Number one is Khushwant Singh. He is the narrator of this chapter. He cherished the memories of his association with his grandmother. Next is the grandmother. She is described as a very old lady. She is affectionate, caring, responsible, good storyteller, religious, serene and restrained. Let's take the introduction of the chapter. In this autobiographical account, the author draws a lifelike pen portrait of his grandmother. He had intimate relation with her since his childhood. He also describes the changes that came in their relationship in the city. Through this chapter, he wants to pay a tribute to his grandmother. Here in this chapter, the author describes the relationship between human beings as well as the relationship between human beings and animals and birds. Here, if we talk about the themes in this chapter, we find there is friendship, love, innocence, selflessness, etc. Let's discuss the chapter line by line. स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने प्रीवियस वीडियो में? हमने जाना कि जो ग्रैंड मदर है वो किस तरह की लेडी हैं। नैरेटर ने बताया कि सभी की जैसे ग्रैंड मदर होती हैं उतनी ही बुजुर्ग हैं, वो इससे ज़्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती। और यदि कोई नैरेटर को कहता है कि वो भी कभी युवा होती थी और कभी अट्रैक्टिव होती थी, तो नैरेटर इस बात को स्वीकार नहीं करता है, वह रिवोल्ट करता है इसके खिलाफ। वह कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट के बारे में नैरेटर ने हमें बताया कि ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट किस तरह का था, कहाँ पर था। जो मेंटल पीस है उसके ऊपर ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था जो कि सीटिंग रूम में लगा हुआ था, और उनके सर पर बड़ी सी पगड़ी थी, और उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उन्होंने उनकी छाती के ज़्यादातर हिस्से को कवर किया हुआ था, और ऐसे लगते थे जैसे कि वो बहुत ही बुजुर्ग हो। ऐसे बेटे बेटियों वाले नहीं बल्कि पोते पोतियों वाले वो इंसान लगते थे। ऐसे लगते जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ, मीन्स उनकी उम्र काफ़ी बड़ी पोर्ट्रेट में दिखाई गई है। उसके बाद बताया कि ग्रैंड मदर है वो हमें कहानियाँ बताती थी, अपने द्वारा जो उनके द्वारा बचपन में गेम खेले जाते थे उनके बारे में बताती थी, और जो स्टोरी वो सुनाती थी वो ऐसे लगती थी जैसे प्रोफेट जो हैं, जो भगवान का मैसेज कन्वे करने वाले होते हैं, उनकी कहानियाँ कोई ग्रैंड मदर सुना रही हो। फिर से नैरेटर एक बार ग्रैंड मदर का वर्णन करता है कि ग्रैंड मदर है वो थोड़ी हाइट में छोटी हैं, सेहत में मोटी हैं, और उनके फेस के ऊपर क्रिस क्रॉस है, जो झुर्रियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती हुई हैं, मीन्स बहुत अधिक झुर्रियाँ हैं उनके फेस के ऊपर, और वो घूमती रहती हैं घर में लंगड़ाते हुए, लंगड़ा लंगड़ा करके चलती हैं। एक उनकी जो पीठ है उसके ऊपर स्टूपिंग है, थोड़ी झुकी हुई है कमर, और अपनी एक हाथ को वो कमर पर रख लेती हैं ताकि उनको सहारा मिले, और दूसरे हाथ से वो हाथ में वो रोजरी रखती हैं, जो माला है फेरने वाली वो रखती हैं जिसे वो मन के फेरती रहती हैं। और फिर
फिर नैरेटर ने ग्रैंड मदर को कंपेयर किया किससे, जो शीतकालीन माउंटेन्स होते हैं उनसे, कि ग्रैंड मदर भी श्वेत लिबास में होती है, उनके जो हेयर हैं वो भी सफ़ेद हैं और वो चेहरे के ऊपर बिखरे होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि ये शरदकालीन माउंटेन्स हों। इसके बाद नरेटर ने अपनी और ग्रैंड मदर की दोस्ती के बारे में बताया। वो हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़ करके चले गए थे सिटी में ग्रैंड मदर के पास, कि जब तक वो अच्छे से सेटल नहीं हो जाते तब तक उन दोनों को यहीं रहना था। अब ग्रैंड मदर और जो नरेटर हैं अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ग्रैंड मदर उसे सुबह उठाती हैं, स्कूल के लिए नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, और इस दौरान ग्रैंड मदर हैं वो एक प्रेयर है वो गाती रहती हैं तेज तेज आवाज में, ताकि नैरेटर है वो उस प्रेयर को सीख ले, दिल से याद कर ले। परंतु नैरेटर ऐसा नहीं करता है, वह सुनता है क्योंकि उसे ग्रैंड मदर की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो अच्छी लगती है, इसलिए वो सुनता है परंतु उसे याद नहीं करता। इसके बाद नाश्ते के बारे में बताया कि ग्रैंड मदर नाश्ते में क्या देती है। एक मोटी सी पुरानी बासी चपाती होती है जिसके ऊपर मक्खन और चीनी लगा करके ग्रैंड मदर दे देती है, और वो खाने के बाद ग्रैंड मदर उसके स्कूल की तैयारी करती है। एक जो वुडन बोर्ड है, जो तख्ती है, जो पहले से उन्होंने मुल्तानी मिट्टी से पेस्ट करके रखी हुई है, वो देती है, कलम देती है, और जो मिट्टी की बनी हुई दवात है वो देती है। ये सब एक जगह बांध देती है और उसको सौंप देती है। अब दोनों ही स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। ग्रैंड मदर है वो भी नरेटर के साथ स्कूल में जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल और जो टेम्पल है, गुरुद्वारा है, वो एक ही बिल्डिंग में है, और ग्रैंड मदर जो गुरुद्वारे की साइड है वहाँ बैठ करके धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है, जबकि नरेटर को जो प्रिस्ट हैं वो दूसरे बच्चों के साथ बरामदे में लाइनों में बिठा करके अल्फाबेट सिखाते हैं और प्रेयर है वो सिखाते हैं। जब दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है, दोनों एक साथ घर आते हैं, और जैसे ही वो टेम्पल से बाहर आते हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर बासी चपातियाँ बहुत सारी अपने साथ लेकर के जाती है वो उन डॉग्स को खिलाने के लिए। अब वो उन डॉग्स को वो चपातियाँ डालते हुए आते हैं, और डॉग से वो ग्रॉलिंग करते हुए, गुर्राते हुए, आपस में लड़ते झगड़ते उन चपातियों के लिए उनके घर तक उनके पीछे पीछे आते हैं। अब जब नैरेटर के पेरेंट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वो उन दोनों को, ग्रैंड मदर और नैरेटर को, बुला लेते हैं शहर में, और यहाँ पर उनकी लाइफ में, उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक इम्पोर्टेंट मोड़ आ जाता है, जो कि क्या है कि दोनों एक ही रूम में रहते हैं, परंतु ज़्यादा जो ग्रैंड मदर है अब उसकी स्कूल काम में हेल्प नहीं कर पाते, वह उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाती है। इस तरह से उनकी मित्रता है वो थोड़ी अलग अलग सी हो जाती है। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पेजेस। एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। रोल बाय मीन्स क्या? पास्ट बाय। सालों बीत गए और हम दोनों ने, वी कौन है? ग्रैंड मदर एंड द नरेटर, हम दोनों ने एक दूसरे को कम देखा, मीन्स हमारी मुलाकात कम होनी शुरू हुई। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए उन्होंने जारी रखा, लगातार मुझे उठाती, तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर्स हैड टोल्ड। जब मैं वापिस आता स्कूल से तो मुझसे पूछा करती थी कि आज अध्यापकों ने क्या सिखाया, आज स्कूल में क्या सीखा। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उसे बताता था कि अंग्रेजी के शब्द सीखे और छोटी छोटी चीजें जो कि पाश्चात्य विज्ञान की थी जो सीखी थी, क्या द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का नियम है वो, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं प्राचीन काल के, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये बताता कि संसार गोल है, ये भी स्कूल में सिखाया गया। ये सब बातें मैं ग्रैंड मदर को बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह उदास हो जाती, सैड हो जाती। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वह मेरे गृह कार्य में, मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वो सिखाते थे अंग्रेजी स्कूल में। दे रेफर्स टू टीचर्स इन दैट स्कूल और द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड मीन्स क्या? मेड सैड, और वह उदास हो गई थी। दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, किस बात से उदास थी कि वहाँ पर
कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही थी, भगवान के बारे में जो स्क्रिप्चर्स है, धार्मिक ग्रंथ है, उनके बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी स्कूल में। इससे ग्रैंड मदर काफी हताश उदास हो गई थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने आकर के बताया कि हमें आज म्यूजिक सिखाया गया था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत उदास हो गई, बहुत ही सैड हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड मीन्स क्या है, इनडिसेंट, अश्लील, एसोसिएशन, एसोसिएशंस मीन्स क्या है, कनेक्शंस। उनके अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर के लिए म्यूजिक का जो कनेक्शन था, म्यूजिक की जो रिलेशनशिप थी, वो क्या थी, अश्लील थी, अश्लीलता से थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलोट्स, मोनोपोली मीन्स क्या, सोल राइट, एकाधिकार, ऑफ हेरलोट्स, हेरलोट्स क्या थे, वेश्याएं, प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। उनके अनुसार ग्रैंड मदर कहती हैं कि जो म्यूजिक है, संगीत है, उसके ऊपर एकाधिकार है वेश्याओं का और भिखारियों का। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक मीन्स के जेंटल पीपल, और भद्र लोगों के लिए म्यूजिक का कोई भी अर्थ नहीं है, म्यूजिक अच्छे इंसानों के लिए नहीं होता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली, परंतु जो उनकी साइलेंस थी, जो उनकी क्वाइटनेस थी, शांति थी, चुप्पी थी, उसका मतलब था डिसअप्रूवल, कि वो डिस एग्री थी इस बात से, वो एग्री नहीं थी कि म्यूजिक सिखाया जाना चाहिए। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत ही कम बात की, रियली मीन्स के हार्डली मीन्स बहुत कम बातें उन्होंने मुझसे कर की। मैन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ऑन, मुझे मेरा खुद का अलग रूम, सेपरेट रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ द ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन्स क्या, ब्रोकन। अब जो कॉमन लिंक था, जो कड़ी थी दोस्ती की, वो भी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सेक्लूजन, सेक्लूजन मीन्स क्या, एकाकीपन, लोनलीनेस। ग्रैंड मदर ने जो लोनलीनेस थी, अकेलापन था, उसको स्वीकार कर लिया था विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मीन्स क्या, समर्पण, त्याग के साथ में। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, वह बहुत ही मुश्किल से छोड़ती थी स्पिनिंग व्हील को, जो चरखा था, उसको किसी से बात करने के लिए। मीन्स ग्रैंड मदर ने अपने एकाकीपन को अब बिताना शुरू किया चरखे के साथ, अब वो स्पिनिंग का काम उसने शुरू कर दिया, और वो किसी से बात नहीं करती हैं, चरखे पर कताई करती हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग मीन्स सिंगिंग लाउडली। अब क्या करती हैं वो, सनराइज से लेकर के, सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक वो अपने चरखे पर बैठी रहती हैं, कताई करती रहती हैं और प्रेयर गाती रहती हैं ऊंची ऊंची आवाज में। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड, रिलैक्स मीन टेक रेस्ट, केवल दोपहर में वो क्या करती है, आराम करती हैं। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल मीन्स क्या, फॉर स्मॉल टाइम, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरोज, किस काम के लिए, जो स्पैरोज हैं उनको खाना खिलाने के लिए। ओनली सॉरी वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, लिटिल बिट्स मीन्स क्या, स्मॉल पीसेज। जब वे बरामदे में बैठती है और जो ब्रेड है, चपाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, क्या होता है कि सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। वेरिटेबल मीन्स क्या, डिफरेंट, बेडलम मीन्स क्या, साउंड, जो चर्पिंग की अलग सी आवाज़ है, जो कि सुहावनी नहीं लगती है, वो वहाँ पर करनी शुरू कर देती हैं। सम केम एंड पास्ड ऑन हर लेग्स, पास्ट मीन्स क्या, सेट, कुछ जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, वो आती हैं और उसके पैरों पर बैठ जाती हैं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरी उसके कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उसके सर पर भी बैठ जाती हैं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, शूट देम अवे मीन्स क्या, ड्रॉ अवे, भगाना। हाँ, वह मुस्कुराती है परंतु कभी भी इन बर्ड्स को, चिड़ियों को दूर नहीं भगाती है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उनके लिए यह आधा घंटा सबसे खुशी के क्षण होते हैं ग्रैंड मदर के लिए। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने डिसाइड किया विदेश में जाने का, अब्रॉड मीन्स क्या, फॉरेन, विदेश में जाने का आगे की पढ़ाई के लिए।
आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा विश्वास था कि ग्रैंड मदर क्या है अपसेट हो जाएंगी, सैड हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मुझे 5 साल तक दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और कोई उसकी उम्र के बारे में नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी ग्रैंड मदर कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स क्या है, भावुक होना, शोइंग इमोशंस। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, अब वो मेरे साथ गई रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उन्होंने किसी तरह की कोई भावनाएं व्यक्त नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ हैं वो मूव कर रहे थे, हिल रहे थे प्रेयर में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका पूरा दिमाग प्रेयर में लगा हुआ था, वो प्रेयर में ही खोई हुई थी। हर फिंगर्स बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां थी वो व्यस्त थी अपनी जो फेरने वाली माला थी उसके मोतियों को, उनसे बीट्स को फेरने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और जब मैं वहाँ से चला तो चेरिस्ड मीन्स क्या है, मैंने इसको संभाल करके रखा, मैंने इस बात को अपने दिल में बैठाया जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था। इम्प्रिंट मीन्स क्या है, साइन, निशान, जो गीला निशान उनके किस का रह गया था उसको मैंने सोचा कि शायद ये आखिरी निशान है, संकेत है हमारे फिजिकल कॉन्टेक्ट का। अस कौन है, नरेटर एंड ग्रैंड मदर। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, 5 साल बाद मैं घर वापस आया और मैं ग्रैंड मदर से मिला स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अब वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी, मीन्स जैसे मैं छोड़कर गया था वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास समय नहीं था कुछ शब्द बोलने का। एंड वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैप्स मीन्स ग्रिप टाइटली, कस करके पकड़ना, जब उन्होंने मुझे अपनी बाजुओं में कस करके पकड़ा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं सुन सकता था कि वो अपनी प्रेयर रिसाइट कर रही थी, अपने मन मन में उच्चारण कर रही थी प्रेयर का। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रिबुक्स। जिस दिन पहला दिन था मेरे पहुंचने का, उनके लिए जो सबसे अधिक खुशी का क्षण था वो उन स्पैरोज के साथ था, उन चिड़ियाओं के साथ था जिनको वह खिलाती थी, लंबे समय से खिला रही थी। और विथ फ्रिवलेस रिब्यूक्स, रिब्यूक्स मीन्स कहते हैं स्कॉल्डिंग, फ्रिवलेस मीन्स के माइल्ड सॉफ्ट, बड़े प्यार से उनको डांटती थी, किनको, जो स्पैरोज हैं उनको। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम के समय उनमें एक बदलाव आया। सी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, पड़ोस की औरतों को एकत्रित किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हार्स शी थम्प्ड द सेगिंग, और कई घंटों तक उन्होंने क्या किया, थम्प्ड मीन्स क्या, पीटना, बजाना, हाथों से ड्रम को बीट करना। कई घंटों तक वह अपने हाथों से ड्रम को बीट करती रही। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, सैगिंग मीन्स क्या है, हैंगिंग, लटकती हुई। स्किन्स मीन्स क्या, स्ट्रेस्ड लेदर ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड मीन्स क्या, ब्रोकन इनटू पीसेस, और जो लूज होकर के जो ड्रम के दोनों तरफ जो स्किन लगी हुई थी जिसकी वजह से वो बजता था वो लूज होकर के टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गई। एंड सिंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, और ग्रैंड मदर क्या गा रही थी कि जब जो वैरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, वो जब वापस आते हैं तो वो गाने वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, परसुएड मीन्स क्या, कन्विंस्ड, मनाना, हमने उसको मनाना पड़ा कि वो रुक जाए, वो अवॉइड करे। ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स है टायरिंग हर सेल्फ,
कि अपने आप को ज़्यादा थकाने से रुक जाए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और वो पहला दिन था जब मैंने जाना कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी. मीन्स मेरी लाइफ में मैंने पहला दिन ऐसा देखा जब ग्रैंड मदर ने अपनी प्रेयर नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज ए माइल्ड फीवर. ये हल्का फुल्का बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. और डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. परंतु ग्रैंड मदर अलग सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने हमें बताया कि उसका अंत नज़दीक था. शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू हार्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. उन्होंने कहा कि कुछ घंटों पहले उसके जीवन के आखिरी अध्याय के खत्म होने से पहले ही वो भूल गई. ओमिटेड मीन्स क्या? फॉरगॉटन. वो प्रेयर करना भूल गई थी. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. अब वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमारे से बात करके. हम लोगों से बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड. प्रोटेस्टेड मीन्स क्या? विरोध किया. अपोज्ड. हमने उनका विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. परंतु उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर किया, अनदेखा किया. उसने कोई नोटिस नहीं की हमारे विरोध की तरफ. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. अब वह शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेटी रही, अपनी माला फेरते हुए, अपनी प्रेयर करते हुए. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. उनके होठ हिलना बंद हो गई. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और उनकी जो रोजरी थी, जो माला थी फेरने वाली, वो गिर गई थी निर्जीव उंगलियों से. ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. पैलर मीन्स क्या है? डलनेस, लाइफलेसनेस. उनके चेहरे के ऊपर निर्जनता, जो पीलापन था, वो आ गया था. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और हमें पता लग गया था कि वो डेड हो गई थी, मर गई थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. एंड एज इज कस्टमरी. कस्टमरी का अकॉर्डिंग टू कस्टम, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हमने उनको बेड से उठाया, जैसे कि रीति रिवाज में होता है. लेट हर ऑन द ग्राउंड. और उनको जमीन पर लिटा दिया. एंड कवर हर विद रेड श्राउड. श्राउड मीन्स क्या? कवरिंग ऑफ डेड बॉडी, कफन. और उनको एक लाल रंग के कफन से कवर कर दिया. आफ्टर ए फ्यू हार्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल मीन्स क्या है? अंतिम संस्कार के लिए, डेड बॉडी के क्रीमेशन के लिए. हमने कुछ घंटे विलाप के बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया और हम लग गए अंतिम संस्कार की, दाह संस्कार की तैयारियों में. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम. स्याय के समय हम उसके कमरे में गए. विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. स्ट्रेचर मीन्स क्या है? अर्थी, वुडन फ्रेम टू ले द डेड बॉडी. अब हम एक स्ट्रेचर लेकर के आए, एक अर्थी लेकर के आए, जो उनको क्रीमेटेड करने के लिए. क्रीमेटेड क्या होता है? बर्निंग द डेड. डेड बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए अर्थी लेकर के आए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. अब जो सूर्यास्त होने लग रहा था और उनके कमरे को सूर्य की जो रोशनी थी, वो ब्लेज मीन्स क्या है? शाइन, चमक. सुनहरी लाइट से चमक रहा था कमरा और बरामदा. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड. अब आंगन के आधे रास्ते में ही हम रुक गई. ऑल ओवर द वरंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड. पूरे बरामदे में और उसके कमरे में जहाँ पर कि वह डेड लेटी हुई थी, वहाँ पर जहाँ पर उनको लपेटा गया था, कवर किया गया था रेड श्राउड से, कफन से. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. हजारों की संख्या में चिड़िया फैली हुई बैठी हुई थी. देर वॉज नो चैपिंग. अब वो चहचा नहीं रही थी, कोई साउंड नहीं आ रही थी चिड़ियाओं की. वी फेल्ट श्योरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम. फेस्ट मीन्स क्या? ब्रॉट. हमें खेद हुआ उनके लिए, दुख हुआ बर्ड्स के लिए. और मेरी माँ कुछ ब्रेड, कुछ रोटी लेकर के आई उनके लिए. शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स. क्रम्स मीन्स क्या? पीसेस. अब मेरी माँ ने
उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर तोड़ा करती थी ये काम। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने ये चपाती के टुकड़े चिड़ियाओं को डाल दिए, स्पैरोज के सामने डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, नो नोटिस मीन्स के नो अटेंशन, स्पैरोज ने चिड़िया ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उन ब्रेड की तरफ। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, कॉप्स मीन्स के डेड बॉडी, जब हम लेकर के गए ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को, दे फ्लू अवे क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स क्या साइलेंटली, जो चिड़िया थी वो सभी साइलेंटली वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर आया, झाड़ू लगाने वाला आया, तो उसने वो जो ब्रेड के टुकड़े थे, रोटी के जो टुकड़े थे, वो डस्टबिन में थ्रो किए। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।